और हमेशा हमेशा होता है रिजल्ट के टाइम पर बच्चा हमेशा ये कहता है यार मैं कर सकता था थोड़ी सी और मेहनत, पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया। आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा अगर आप अपना टाइम मिसमैनेज कर रहे हैं। टीचर्स और सोसाइटी तो अलग बात है, आप अपने आप को जवाब नहीं दे पाओगे उस समय। जिस दिन आप रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैठ जाएंगे ना, डेफिनेट है कि आप उसको खत्म कर देंगे, कोई रोक ही नहीं सकता उस चीज को। लेकिन वही है, आपके अंदर खुद डाउट रहता है कि ये होगा या नहीं होगा, कैसे करेंगे, इतना लोड कैसे होगा। अगर आपके अंदर खुद डाउट है तो आपकी ऑब्वियस सी बात है स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी, और स्लो हो जाएगी तो वो काम आपको दिखेगा नहीं होता, आपको पूरे लगन से उस चीज को करना पड़ेगा। मैं आप सभी लोगों को एक राय दूंगा कि बेटा आपके पास कोई डाउट नहीं बचेगा। स्कूल वाले स्टूडेंट्स जितने भी हैं, मैं मानता हूं अगर सिलेक्शन नहीं होता तो पेरेंट्स इस चीज को कहते हैं या फिर आपको भी लगता कि यार मेरे को थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए। और हमेशा हमेशा होता है रिजल्ट के टाइम पर बच्चा हमेशा ही कहता है यार मैं कर सकता था थोड़ी सी और मेहनत। मैं ये नहीं कह रहा 100%, जितना भी था 50%, 60%, उससे 5% भी मैं बढ़ा सकता था, लेकिन मेरे को बढ़ा लेना चाहिए था, पता नहीं मैंने क्यों नहीं किया। और ये चीज जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनके पेरेंट्स तब भी समझ जाते हैं कि यार बच्चा पिस रहा। लेकिन जो डमी वाले स्टूडेंट्स है ना, आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा अगर आप अपना टाइम मिसमैनेज कर रहे हैं। आपको जवाब देना भारी पड़ जाएगा अपने आप, पेरेंट्स और टीचर्स और सोसाइटी अलग बात है, आप अपने आप को जवाब नहीं दे पाओगे उस समय। आप क्या मुंह से अपने आप को देखोगे कि यार मेरे पास तो टाइम था, मेरे पास टाइम होने के बाद भी मैं क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था। और फिर जब आपको रियलाइज होगा तो आप कहोगे यार कोई नहीं इस बार मैं करूंगा, लेकिन नहीं, वो आदत बन चुकी है और आप एक साल और सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उस समय के गिल्ट में। मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा इसी साल आप अपना एग्जाम फोड़ दीजिए, खत्म करिए इस बवाल। एक बार ऐसा पढ़िए कि अगली बार आपको सीधे कॉलेज में ही किताब खोलनी है। कॉलेज का अलग स्ट्रगल, लेकिन वो कॉलेज का ही देखेंगे। ये वाला स्ट्रगल जो आप इतने टाइम से लगे पड़े हैं, खत्म हो यार ये बवाल। और उसके लिए लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आप सभी लोगों। आपको लगता है अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो एक बार आस पड़ोस में जरा देख लीजिए कि लोग कितनी स्ट्रगल के साथ भी सिलेक्शन लेके आ रहे हैं, भले ही वो नीट के बच्चे हो, भले ही वो जेई के बच्चे। आप अगर उनकी स्टोरी सुनोगे तो 4-5 मिनट के लिए आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो बड़ी खतरनाक बात है, इस बच्चे ने ऐसे कैसे कर दिया। आप अच्छा कमेंट करोगे, अच्छा लाइक करोगे और फिर जाके चुपचाप सो जाओ। ये नहीं करना, यू हैव टू राइट योर ओन स्टोरी एवरी डे एवरी मिनट। और उसको लिखने के लिए ना हिम्मत चाहिए होती है। थ्योरेटिकल तो दुनिया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थ्योरेटिकल लेके बैठे, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, जब करने की बात आती है तो खत्म हो जाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ, ये हवा में ना उड़ना थोड़ा सा बंद करो और अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा फोकस बढ़ाओ। भूल के भी ये गलती मत कर देना पढ़ते समय तो खासकर। और मैं आपको पहली बता रहा हूँ, मैथ्स आपकी कॉपी और कलम के बिना, अगर आप रीड कर रहे हैं, आप सिर्फ ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे मैथ्स।